नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई को हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर मैं आप लोगों के साथ उनसे संबंधित कुछ जानकारियां लेकर के आई हूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक स्थान पर हुआ था। आज़ाद का जन्म स्थान भावरा अब आज़ाद नगर के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम जगदानी देवी था। उनके पिता ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के पक्के थे। यही गुण चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिले थे। चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और उन्होंने वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया था। 1921 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने नाम अपना आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास स्थान बताया था। उन्हें 15 कोरों की सजा दी गई। हर कोरों के बार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद कहलाए। जब क्रांतिकारी आंदोलन उग्र हुआ, तब आज़ाद उस तरफ खींचे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी से जुड़े। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र 1925 में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया और जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी, जो सैंडर्स के माथे पर लग गई। वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। इतना नहीं, लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिख दिया गया था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। उनके इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों ने खूब सराहा गया। अल्फ्रेड फार्क इलाहाबाद में 1931 में उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने संकल्प किया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे, न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर का नाम मन में आते ही अपनी मूछों को ताव देता एक नौजवान आंखों के सामने आ जाता है, जिसे पूरी दुनिया आज़ाद के नाम से जानती है। जलियांवाला बाग के बारे में शायद आप जानते हों, ये वही पार्क था जहाँ पर आज़ाद लड़ते लड़ते जब अंत में उनके पास सिर्फ एक गोली बची तो अपने आप को मार लिया और इससे प्रसिद्ध हो गए। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।